Hello and welcome dear students. Today in this video lecture we are going to discuss about an important topic, and the topic is introduction to geography. इस लेक्चर वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी और बेसिक ज्योग्राफी, ठीक है. अब ये टॉपिक जो है, एक तो जो हमारे छोटे क्लासेस होते हैं, लोअर क्लासेस लाइक 6th 7th क्लासेस, ठीक है, उन क्लासेस के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हायर क्लास जो हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे जाके आप फिर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. और इसके साथ साथ ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेटिव जो कि JKSSB या जो अदर एग्जाम्स होते हैं, आजकल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में बेसिक ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है. तो ये बेसिक ज्योग्राफी जो है उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. ओके, सो अगर हम बेसिक ज्योग्राफी की बात करेंगे हम तो हम बेसिक चीजें उठाएंगे, ठीक है. तो एज यू नो दैट इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स. हमारे सोलर सिस्टम में देयर अबाउट कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है. अर्लियर इट वॉज 9, देयर वर 9 प्लैनेट्स, बट जो प्लूटो है वो ड्वार्फ हो गया, छोटा हो गया, तो अब वो प्लैनेट जो उसके जो एक प्लैनेट के फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो अब उसमें नहीं रहे, दैट्स वाई वो प्लैनेट नहीं है. तो हमारे पास अब कितने प्लैनेट्स टोटल हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. एंड उन 8 प्लैनेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट हमारे पास है दैट इज अर्थ, ठीक है. अर्थ जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारे लिए है, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों माना जाता है बाकी प्लैनेट्स में से, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, अमंग दोज 8 प्लैनेट्स व्हाई अर्थ इज बीइंग कंसीडर्ड एज द इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, ठीक है. अभी रिसेंट टाइम्स में या हम मॉडर्न टाइम्स में कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोनोमर्स हैं या जो हमारे रिसर्चर्स हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अदर प्लैनेट्स में भी हो सकती है लाइफ पॉसिबल, लेकिन वो सब चीज छोड़ के ओवरऑल अगर हम देखेंगे लाइफ जो है ना वो सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है, ठीक है. तो इसीलिए हमारी जो अर्थ है ये यूनिक प्लैनेट माना जाता है, ठीक है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट है. तो जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से जो अर्थ हमारा है ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब अगर हम इस अर्थ की बात करेंगे, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इस प्लैनेट की बात अगर हम करेंगे, इसका जो टोटल एरिया है, ठीक है, हमारा जो टोटल अर्थ है इसका जो टोटल एरिया है 100% लेते हैं, उस 100% को अगर हम डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 71% जो है हमारी अर्थ पे पानी है, ठीक है. 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है, इसमें हमारे वाटर बॉडीज हैं. और जो रिमेनिंग 29% हमारा है दैट इज कवर्ड बाय लैंड, ठीक है. तो अर्थ जो टोटल हमारा है, जो टोटल एरिया अर्थ का है, इसका 71% पे पानी मौजूद है और 29% पे क्या मौजूद है? लैंड मौजूद है, लैंड मास मौजूद है, ठीक है, या लैंड बॉडीज भी हम कह सकते हैं, ठीक है. ओके, अब जो हमारे पास 29% लैंड हमारे जो 29% जो लैंड एरिया है, इसमें हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, मतलब हमारे मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, दे आर विद इन दिस 29% ऑफ लैंड, ठीक है. और जो हमारे इस अर्थ पे टोटल जितने भी वाटर बॉडीज हमारे मौजूद हैं, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडीज, वो इस 71% में मौजूद है, ठीक है. अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है, जितने भी कॉन्टिनेंट 7 का बड़े या छोटे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास मौजूद है, वो कहां पे है, उन्होंने मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, दे हैव ऑक्यूपाइड 29%, ठीक है. तो याद रखना है आपको, क्योंकि लैंड जो हमारा वो सिर्फ 29% है, तो ऑब्वियसली जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो कहां पे होंगे, वो इसी 29% ऑफ लैंड पे होंगे, ठीक है. और जो पानी का एरिया है दैट इज 71%, दैट्स वाई जितने भी वाटर बॉडीज हमारे पास है, जो बड़े बड़े ओशंस है, ठीक है, दे हैव ऑक्यूपाइड दिस प्लेस विद इन दिस 71% ऑफ एरिया. इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, पानी ज्यादा है, 71%, ठीक है. और जमीनी एरिया जो है, लैंड एरिया जो है, वो सिर्फ 29
परसेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स आप लोगों के लिए है, छोटी क्लास से स्टार्ट होता है ये। तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अब हम इन दो चीजों को अलग अलग से मतलब एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारे टोटल कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स, इन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, 29%, ठीक है। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी कंट्रीज पूरी दुनिया में है, ठीक है, उनके पास जो एरिया है दैट इज ओनली 29%, बाकी जो 71% बचता है वहां पे पानी है, ठीक है। ओके, अब जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है वो देख लेते हैं एरिया वाइज कौन बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा है, कौन उससे ज्यादा छोटा है, और पॉपुलेशन वाइज भी देख लेते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा और कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारे पास 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स है, या हम कह सकते हैं वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ कॉन्टिनेंट इज अ, वी कैन से, लैंड मास, ठीक है, एक लैंड मास होता है जो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंट्स जितने भी हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, लाइक एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब सबसे पहले हम एरिया वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हैं, सबसे पहले बड़ा मैंने लिखा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया वाइज देख लेते हैं किस कॉन्टिनेंट के पास कितना एरिया है, ठीक है, लैंड किसके पास कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है, एरिया वाइज। तो पहले नंबर पे अगर देखेंगे एशिया, ठीक है, एशिया जो है ये सबसे पहले नंबर पे आता है एरिया वाइज, उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर आता है हमारा एंटार्क्टिका। ये चीज याद रखेंगे आप, एंटार्क्टिका जो है उनके पास जमीन अच्छी खासी है, उस कॉन्टिनेंट के पास जमीन अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है यूरोप, और फिर लास्ट पे 7th नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, बताइए एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपको आंसर देना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एरिया वाइज। और ये भी क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, बताइए एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे एशिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कॉन्टिनेंट्स हमारे एरिया वाइज। उसके बाद सेम यही 7 कॉन्टिनेंट्स को हम देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। कोई कॉन्टिनेंट छोटा हो सकता है एरिया के हिसाब से, लेकिन हो सकता है वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, है ना, तो फिर वो ऊपर आएगा नंबर में। तो यहां पे भी हम जब स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट्स एज पर पॉपुलेशन वाइज, एशिया जो हमारा है वो अभी भी हमारा फर्स्ट नंबर पे ही आता है यहां पे। दैट मींस एशिया जो है एरिया वाइज भी नंबर 1 पे है, एंड एशिया ऑल्सो लाइज एट द नंबर 1 पॉपुलेशन वाइज। ओके, फिर जब हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका, दीज आर ओनली 2 कॉन्टिनेंट्स विच लाइज एट द सेम स्पॉट, इवन इफ वी टेक एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, चाहे पॉपुलेशन वाइज उठाएं चाहे एरिया वाइज उठाएं, एशिया और अफ्रीका जो है ये फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक चेंज आ रही है, पॉपुलेशन वाइज यूरोप जो है वो 3rd नंबर पे आ जाता है। यूरोप जो है वो तो वहां से अगर हम देखेंगे 6th नंबर पे आता है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है, कंट्रीज बहुत सारे है वहां पे है। तो यूरोप जो है हमारा 3rd नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और पॉपुलेशन वाइज हमारा एंटार्क्टिका आता है सबसे लास्ट पे, ठीक है, क्योंकि एंटार्क्टिका जो है ये फ्रिजिड जोन में आता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, इसलिए वहां पे लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वहां पे बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई वहां की जो पॉपुलेशन है बहुत कम होती है, और वहां पे थोड़े बहुत कुछ रिसर्चर्स रहते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, फिर वहां से वो भी वापस आते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन बहुत नील रहती है, तो इसलिए पॉपुलेशन के लिहाज से हमारा जो एंटार्क्टिका है वो सबसे लास्ट पे आता है, ठीक है। तो यहां पे हमने अभी क्या देख लिया, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जिन्होंने 29% ऑफ लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे अर्थ पे, तो वो है एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। तो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चंस मे बी आपको पूछे जाएंगे, बताइए पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा हमारा कौन है, तो एंटार्क्टिका। एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉन्टिनेंट्स। चलिए अब चलते हैं वाटर बॉडीज पे, जो हमारे वाटर बॉडीज है जिन्होंने अर्थ का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, 71%, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओशंस आ जाते हैं,
बाकी वाटर बॉडीज भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे वो है ओशंस। ओशन सबसे ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास पांच बड़े ओशंस हैं, ठीक है, हमारे पास पांच बड़े ओशंस हैं। तो इन पांच बड़े ओशंस को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपको याद रखना है पैसा, पैसा तो सबको याद रहता ना, मनी इज इंपॉर्टेंट, ओके, पी ए आई एस ए, पैसा, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूं, पी ए आई एस ए, पैसा। पैसा जब आप याद रखोगे और जब आप लिखोगे पी ए आई एस ए पैसा, तो आपको सिक्वेंशली आपको जो है ओशंस भी मिलेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी मिलेंगे। जैसे मैंने वहां पे आपको कॉन्टिनेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए, असेंडिंग ऑर्डर में बताए, इसी तरह से यहां पे आपको ओशंस जो है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं, और ऊपर से आपको एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, इससे आपको क्लियर याद रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं पैसा से। पी फॉर पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पे ए फॉर एटलांटिक ओशन, ए फॉर एटलांटिक ओशन, आई फॉर इंडियन ओशन, एस फॉर साउदर्न ओशन, ठीक। साउदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, क्योंकि नीचे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट तो पूरे वर्ल्ड के बिल्कुल साउथ पोल के साइड आ जाता है, पूरे नीचे साइड आ जाता है, तो वहां पे ओशन है उसी के नाम से, तो एंटार्क्टिक ओशन कहा जाएगा, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली उसको हम साउदर्न ओशन कहते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट पे ए फॉर आर्कटिक ओशन, जो कि ऊपर नॉर्थ पोल साइड में आ जाता है, ठीक है। तो हमने ओशंस भी पढ़े और कॉन्टिनेंट्स भी पढ़े। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पैसा फॉर्मूला याद रखना है, पी फॉर पैसिफिक ओशन, ए फॉर एटलांटिक ओशन, आई फॉर इंडियन ओशन, एस फॉर साउदर्न ओशन एंड ए फॉर आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ठीक। थोड़ा सा मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइंड करूंगा, ठीक है। टोटल सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उनमें जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दैट इज अर्थ, और अर्थ का अगर हम जब हम डिवाइड करेंगे जो टोटल एरिया है उसमें से 29% ऑक्यूपाई किया है लैंड ने और 71% ऑक्यूपाई किया है वाटर बॉडीज ने। जो हमारे पास 29% ऑफ लैंड है उसी में सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, और वो 7 कॉन्टिनेंट्स है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी मैंने आपको बताया। और जो हमारा 71% वाटर बॉडी है इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंटली ओशंस आ जाते हैं, दुनिया के सबसे पांच बड़े ओशंस, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमने इनको अलग अलग से पढ़ना है, कॉन्टिनेंट्स को अलग से और वाटर बॉडीज को अलग से, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इनको वाटर बॉडीज को पीछे छोड़ देते हैं, हम उठाते हैं यहां पे कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है अभी जो जिनके नाम मैंने आपको बताए, इन कॉन्टिनेंट्स में तकरीबन 200 से ज्यादा कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। 200 से ज्यादा कंट्रीज है जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है। अब इन डिफरेंट कंट्रीज को लोकेट करना कि कौन सी कंट्री कहां है, कौन सी स्टेट कहां है, ठीक है, किस स्टेट में, किस कंट्री में कौन सा टाइम है, ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जियोग्राफिस्ट्स होते हैं या जो एस्ट्रोनोमर्स होते हैं उन्होंने इस चीज पे काम किया, ठीक है, उन्होंने इस चीज पे काम किया और उन्होंने उन्होंने हमें आसानी करके दी। अगर इस टाइम पे ये चीजें हमारे पास नहीं होती तो इस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होते। तो इन प्रॉब्लम्स को किन्होंने ठीक किया, किन्होंने इस पे काम किया, जो जियोग्राफिस्ट्स होते हैं या जो कार्टोग्राफिस्ट्स होते हैं, मैप्स बनाने वाले होते हैं, ठीक है, या मैं आपको बोलूंगा एस्ट्रोनोमर्स होते हैं जो स्पेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने इसमें काम किया और उन्होंने हमारे पास कुछ ऐसी चीजें लाके दी जिससे हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को ईजिली और कुछ फॉर्मूलाज के तहत उनको हम लोकेट कर सकते हैं कि वो किस जगह पे है और वहां का टाइम जो है कौन सा है, ठीक है। तो चलिए वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, हमारे पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने अर्थ को स्टडी करते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं ग्लोब, ठीक है। ग्लोब जो है, ग्लोब इज कॉल्ड एज द रेप्लिका ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है ये बिल्कुल हूबहू अर्थ के जैसा माना जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट माना जाता है, मतलब अर्थ के जैसा। इसीलिए जब हम अर्थ को स्टडी करते हैं हम किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो हम ग्लोब उठाते हैं, ग्लोब को स्टडी करते हैं। तो ग्लोब पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, उससे हम पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं, इवन कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है, जितने भी ओशंस हमारे पास है, वो हम इस ग्लोब के थ्रू स्टडी करते हैं, ठीक है।
ओके, अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले इस ग्लोब को बनाने वाले कौन थे? हमारे पास जो ग्लोब होता है, ठीक है, तो इस ग्लोब को बनाने वाले कौन थे? इसका नाम था हिपार्चस. ठीक है, मैंने मेंशन भी किया हुआ हिपार्चस. हिपार्चस जो थे ये एक ग्रीक कार्टोग्राफर थे. ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, एक कार्टोग्राफर भी थे, मैप बनाने वाले. सबसे पहले इसी ने क्या किया, इसी ने ग्लोब बनाया. ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहां पे एक और नाम निकल के आ रहा है, मार्टिन बहन. ठीक है, मार्टिन बहन ये भी एक, ये एक जर्मन कार्टोग्राफर थे. ठीक है, इसने सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला जो हम कहेंगे मैप जो था, ये किसने बनाया, ये इसी ने बनाया, मार्टिन बहन ने. ठीक है, इसने कब बनाया, 1492 में. ये कौन थे, ये एक कार्टोग्राफिस्ट थे, ये कार्टोग्राफर थे. कार्टोग्राफर होता है मैप बनाने वाला. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैप है वो मार्टिन बहन ने बनाया, जर्मन थे, एक जर्मनी के रहने वाले थे, 1492 में बनाया. और सबसे पहला जो ग्लोब है वो किसने बनाया, नो सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे कंफ्यूजन हो गया मुझे ग्लोब के बारे में. यहां पे नहीं है, मार्टिन बहम ग्लोब है, सॉरी यहां पे कंफ्यूजन हो गया था. सॉरी, तो ये मैं क्लियर करूंगा आपको फिर से. मार्टिन बहम जो थे, इसी ने यहां पे ग्लोब का सबसे पहले ग्लोब का कॉन्सेप्ट इसी ने दिया, मार्टिन बहम ने. ये जर्मन कार्टोग्राफर थे, मैप बनाने वाले. कार्टोग्राफर कहते हैं मैप बनाने वाले को. 1492 में इसने सबसे पहले ग्लोब दिया, मार्टिन बहम. ठीक है, याद रखना. हिपार्चस जो थे, जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, इसने क्या दिया, इसने सबसे पहले जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, वही चीज हम यहां पे अब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए. तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था जो हमारे पास जितने भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद है, अगर हमने इन कॉन्टिनेंट्स को लोकेट करना होगा कि ये कॉन्टिनेंट्स कहां पे है, कौन सी जगह पे कहां है, ठीक है, या कौन सी कंट्री कहां है, वहां पे क्या टाइमिंग है, तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे हम वो चीज लोकेट कर पाते हैं. तो हमारे पास ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस मेंशन किए होते हैं. ठीक है, उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स. यही लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं प्लेसेस को लोकेट करने में और टाइम को डिनोट करने में, वहां का टाइम क्या है और कौन सी जगह है. ठीक है, तभी मैंने सबसे पहले बताया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, उसका नाम था हिपार्चस. ही वॉज अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं. सबसे पहले अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात करूं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस. लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कहां से कहां रन करते हैं, विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ऑन द अर्थ. ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो हमारे ग्लोब के ऊपर मेंशन होते हैं, अगर यहां पे मुझे ग्लोब, मेरे पास ग्लोब नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता. ठीक है, जो ग्लोब ग्लोब के ऊपर मेंशन होते हैं, लाइंस मेंशन होते हैं, तो ये जो लाइंस है, अगर आप फिजिकली किसी जगह पे जाएं, अर्थ पे किसी भी जगह जाएं, तो ये लाइंस आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज इमेजिनरी लाइंस. इन लाइंस को सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, और इन लाइंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं. ओके, सो दीज इमेजिनरी लाइंस, वेदर लॉन्जिट्यूड्स और वेदर लैटिट्यूड्स, दीज इमेजिनरी लाइंस, व्हाई आर बीइंग यूज्ड दीज लाइंस, टू लोकेट प्लेसेस एंड डिनोट टाइम. ठीक है, टाइम और प्लेस को लोकेट करने के लिए आपके पास लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते हैं. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स आप स्टार्ट करते हैं. अभी वैसे मैंने आपको अभी बताया, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. लैटिट्यूड्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करते हैं. ठीक है, या जो ग्लोब के ऊपर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए हैं, तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, हाँ, और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ड्रॉन होते हैं इन ए सर्कुलर वे, एक सर्कुलर शेप में ये होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल्स. इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स कहते हैं, क्योंकि एक लैटिट्यूड जो है वो दूसरे लैटिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल में होती है. ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लैटिट्यूड इस तरह से मैंने ड्रॉ की हुई है इस तरह से. ठीक है, तो यहां से जो लैटिट्यूड आ रही है ये इस लैटिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाली जो वो वाली लैटिट्यूड जा रही है ये इस लैटिट्यूड के बिल्कुल पैरेलल है. ठीक, ये वाली लैटिट्यूड इस लैटिट्यूड के पैरेलल है, ये लैटिट्यूड इस लैटिट्यूड के पैरेलल है. ठीक है, तो लैटिट्यूड को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक फिर से बता रहा हूं मैं आपको, लेटा हुआ.
जो लाइन आपको लेटी हुई नजर आएंगे, तो ये लेटी हुई है ना इस तरह से, तो ये लेटी हुई है, तो ये लाइन जो लाइन आपको लेटी हुई नजर आएगी तो उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। एंड लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, ठीक है, ओवर द अर्थ। ओके, तो चलिए इसी तरह से हमारे होते हैं। ओके, तो यहां पे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड्स के रिलेटेड। तो लैटिट्यूड्स जो है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, दे रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड लैटिट्यूड्स दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे चले जाते हैं, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, तो वहीं पे मैं ये चीज उठाऊंगा। तो जो इक्वेटर के, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर चले जाते हैं, तो लैटिट्यूड जो है वो छोटे होते जाते हैं, लैटिट्यूड्स का साइज छोटा होता चला जाता है। अब रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे यही है, क्योंकि जो हमारा हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये किस शेप में है, ये जियोइड शेप में है, ठीक है, ये किस शेप में है, ये जियोइड शेप में है, यहां पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है जियोइड शेप। जियोइड शेप क्या होता है, मैं आपको एक फ्रूट का नाम बताता हूं, ऑरेंज। ऑरेंज अगर जब आप लेंगे तो ऑरेंज आप अपने हाथ में रखो तो आप देखेंगे जो ऑरेंज है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो इसका होगा और नीचे वाला हिस्सा वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा और साइड में बाहर निकला होगा थोड़ा सा, ठीक है, साइड में बाहर थोड़ा सा निकला होगा और ऊपर से और नीचे से, जैसे यहां से मैंने बनाया है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है, फ्लैटन है, हम कह सकते हैं फ्लैटन है, और साइड में क्या है, साइड में सर्क्यूलर है। तो इसको एक कौन सी शेप होती है, यह होती है जियोइड शेप। तो हमारा अर्थ जो है ये जॉइंट शेप होने की वजह से, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली साइज जो हमारा है वो कम होता जाएगा, इसी तरह से जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां भी क्या होगा, वहां भी साइज कम होता चला जाएगा, इसीलिए जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास इक्वेटर है, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चले जाएंगे तो लैटिट्यूड छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर हम साइज को हम मेजर करेंगे, ठीक है, सेंटर से साइज को मेजर करेंगे, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो साइज थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर कौन सी शेप है, शेप है जियोइड शेप। अगर फ्लैटन होगा होता नीचे से ऊपर तक पूरा फ्लैटन होता, फिर जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो बराबर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम थोड़ा सा लॉन्जिट्यूड्स का पढ़ते हैं, तो लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं कौन से इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स और दोज इमेजिनरी लाइंस विच रन्स थ्रू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जो अर्थ के नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ लाइंस ड्रॉ किए गए होंगे, उन लाइंस को हम, उन इमेजिनरी लाइंस को हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। जैसे हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहते हैं, जैसे हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स का नाम देते हैं, इसी तरह से, हाँ इसी तरह से हम लॉन्जिट्यूड्स को भी एक और नाम देते हैं जिनको हम मेरिडियंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, ऊपर यहां पे जगह थोड़ी कम है तो मैं यहां लिखूंगा मेरिडियंस, ठीक है। तो जिस तरह से लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स कहते हैं, इसी तरह से हम, हां, लॉन्जिट्यूड्स को भी क्या नाम देते हैं, मेरिडियंस का नाम देते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। एंड लॉन्जिट्यूड्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑन द ग्लोब और ऑन द अर्थ, ठीक है। ओके, अब जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, तभी हम इनको पैरेलल्स कहते हैं। पैरेलल्स हम उन लाइंस को कहते हैं जो एक दूसरे को मीट कभी भी नहीं करेंगे, जिनके एंड पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनको पैरेलल्स कहते हैं, तभी तो इनको पैरेलल्स कहते हैं। लेकिन लॉन्जिट्यूड्स की बात अगर हम करेंगे, लॉन्जिट्यूड्स जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, पोल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे हमारा साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, नीचे इस साइड से हमारा साउथ पोल है और ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के यहां पे इस तरह से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां से लॉन्जिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे यहां पे मीट हो रहा है, ऊपर से लॉन्जिट्यूड में ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे मीट हो रहा है, यहां से लॉन्जिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, नीचे मीट हो रहा है, यहां से भी लॉन्जिट्यूड तो यहां से मीट हो रहा है। तो याद रखेंगे आप, लॉन्जिट्यूड जो है दे मीट एट पोल्स, ये पोल्स पे एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, वाइल एज लैटिट्यूड्स डू नॉट मीट विद ईच अदर, दे रन्स पैरेलल एंड दे डू नॉट मीट,
ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, ठीक है। अब टोटल लैटिट्यूड्स याद रखने से पहले आपको मैं यहां से बताऊं एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है, वो है इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, ठीक। इक्वेटर इज दैट इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर हमारे पास वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, जो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। द अपर हेमिस्फेयर इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लोअर हेमिस्फेयर इज कॉल्ड एज द साउदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हेमिस्फीयर को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को कहा जाता है लार्जेस्ट लैटिट्यूड माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास होते हैं 90 लैटिट्यूड्स, ठीक है, 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो कितने हुए, 90 प्लस 90 कितने हुए, 180। और उसको ऐड करना है इक्वेटर वाला लैटिट्यूड, सो दैट मींस हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स कितने आ गए, 181 लैटिट्यूड्स। यू माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एक बार मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं 181 लैटिट्यूड्स। बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं कि नॉर्दर्न के हो गए 90 और साउदर्न के हो गए 90, हो गए 180। नहीं, लैटिट्यूड वाला छोड़ देते हैं, लैटिट्यूड को इंक्लूड करना है और लैटिट्यूड के इंक्लूड करने से हमारे 181 लैटिट्यूड्स आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं, लॉन्जिट्यूड्स कितने हमारे हैं, हमारे पास लॉन्जिट्यूड जो है वो हमारे हैं 360। कितने हैं, 360। अब उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, देखें हमारा जिस तरह से इक्वेटर हमारा जो है एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह से एक मेरिडियन है, एक लॉन्जिट्यूड है, वो भी अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है और उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये वाला इस तरह से मैंने 0 degree पे ड्रॉ किया हुआ है यहां पे, इस तरह से यहां पे, ठीक है। तो ये भी 0 degree पे है और हमारा इक्वेटर भी 0 degree पे लाई करता है। जिस तरह से इक्वेटर 0 degree पे लाई करता है, इसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी 0 degree पे लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये भी क्या करता है, ये भी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। द राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ दिस प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे चार हेमिस्फीयर्स फिर हो गए, है ना। तो हमारे अर्थ के चार हेमिस्फीयर्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये भी हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के हमारे पास है कितने, 180 लॉन्जिट्यूड्स। और हमारा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें भी है 180 लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो कितने हुए, 360 हो गए। तो टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिपीट फिर से करूंगा, टोटल लैटिट्यूड्स हमारे कितने होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 90 और साउदर्न हेमिस्फीयर के 90। इक्वेटर को ऐड करना है, हो गए 181। इसी तरह से और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर है जो कि अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, ओके। चलिए इसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी दो हिस्सों में डिवाइड करता है अर्थ को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं, 180 लॉन्जिट्यूड्स है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं, 180 लॉन्जिट्यूड्स है। 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अभी मैं आपको बता रहा था इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, क्यों, एक तो ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ओके। और इसका जो लोकेशन है वो क्या है, दैट इज 0 degree। लोकेशन याद रखनी है, इट लाइज एट 0 degree लैटिट्यूड, ठीक है। ये 0 degree लैटिट्यूड पे लाई करता है कौन, इक्वेटर।
उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस डिग्री पे लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and half नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लेटिट्यूड में लाई करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखें, ये 0 डिग्री है, आगे आगे मैं लेटिट्यूड्स को डिग्रीज दूंगा, और ये डिग्रीज किस तरह से दिए जाते हैं ये मैं आपको अभी अभी समझाऊंगा किस तरह से डिग्रीज दिए जाते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे जैसे इक्वेटर का 0 डिग्री है, आगे चलेंगे तो जो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेटिट्यूड आ रही है उसको हम 15 डिग्री देंगे, उसके बाद जो एक और लेटिट्यूड आ रही है 30 डिग्री, फिर एक और जो लेटिट्यूड आ रही है 45, 15 ऐड करना है, 15 प्लस 15 हो गए 30, 30 प्लस 15 हो गए 45, 45 प्लस 15 हो गए 60, इसी तरह से 60 को 15 ऐड करना है तो 75, 75 को ऐड करेंगे 15 तो फिर आ जाता है 90, तो 90 वाला हमारा यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे ये मैंने आपको डिग्रीज आपको दिखाए। तो चलिए जैसे अभी हमने देखा इक्वेटर किस डिग्री पे लाई करता है 0 डिग्री पे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा लेटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कहां पे लाई करता है? इट लाइज एट 23 and half या 23.5 डिग्री नॉर्थ, एन इसको साथ रखना है क्योंकि हम ऊपर जो है ना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो 15 और 30 के बीच में आएगा 23, है ना, तो हम इमेजिन यहां पे करेंगे इस तरह से, मैं शेडेड यहां पे लाइन डाल रहा हूं। तो ये जो मैंने शेडेड लाइन डाली ये किस डिग्री पे मैंने डाली? 23 and half, ठीक है, मैंने यहां पे इमेजिन करके अप्रोक्सीमेटली मैंने यहां पे डाला क्योंकि स्केल तो मौजूद नहीं है, तो 15 और 30 के बीच में ही तो आएगा 23, तो दैट मींस ये जो मैंने शेडेड लाइन डाली इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने कैसे डाली? क्योंकि मुझे पता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कहां पे लाई करती है? ये लाई करती है 23 and half degree n means north, ठीक है, क्योंकि 23 तो नीचे से भी आ सकता है लेकिन चूंकि इसके साथ n है तो n से क्या डिनोट होता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट हमारी एक और लैटिट्यूड है दैट्स कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखें इसका भी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम है, सेम डिग्री पे लाई करता है 23 and half, बट डिफरेंस क्या है इसको आपको याद रखना है, s यानी कि साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो चलिए जब हम इस यहां से भी डिग्रीज देंगे 15, 0 के बाद 15, 30, 45, फिर यहां से हम एक और ड्रॉ करेंगे खुद ही तो यहां पे आएगा 60, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो 75, और 75 के बाद जो साउथ पोल है वो आता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री पे लाई करता है। तो चलिए ये डिग्रीज भी मैंने दे दिए, और यहां पे अगर हम देखें यहां पे भी 15 और 30 के बीच में से आएगा क्या 23.5, तो 15 और 30 के बीच में से मैं शेडेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, तो जब मैंने शेडेड लाइन ड्रॉ की तो ये वाली शेडेड